भारत की सनातन संस्कृति का विस्तार यूरोप तक रहा है। पूरा यूरोप सनातन संस्कृति को मानने वाला पहले था, यह बात है आज से 1000 वर्ष 1200 वर्ष पहले। और मूलतः अभी भी वहां ऐसे स्लेविक, केल्टिक, बेल्टिक, ये बहुत से ऐसे समुदाय हैं जो वहां रहते हैं और हमारी संस्कृति से बहुत अधिक मेल खाते हैं। उनकी जड़ों को वापस भारत के साथ जोड़ना बड़े सौभाग्य का समय है, विषय है। हमारे मध्य पोलैंड से सांस्कृतिक और संगीत विधा के महान कलाकार हमारे मध्य में उपस्थित हुए हैं। वो करने का सुअवसर है। ये कलाकार इतनी दूर से हरिद्वार में आए हैं। ये हरिद्वार हर की भूमि है। और अरुण शर्मा जी और मैं अब माइक देता हूं हमारे अखिल भारतीय संगीत विधा के संयोजक। इस सारस्वत सभागार में उपस्थित इस श्रेष्ठ उपस्थिति का अभिनंदन के साथ में मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूं। Meanwhile, I will have to talk in English also, so that I can communicate my language, my views to this group. Now we are offering our best wishes to this group, Dunayovi, and we are welcoming from whole of this audience of this hall. डॉक्टर सविता जी, आपका स्वागत करें। प्लीज स्टैंड इन द मिडिल ऑफ या। हमारी भारतीय संस्कृति और परंपरा के तहत अतिथि देवो भव वाली जो धारणा है उसके अनुसार हमने अपने जो पोलैंड से आए अतिथि थे उनका स्वागत किया। कुछ इस तरीके से तो ये इनको सर झुका के देखना पड़ता है, हम सर उठा के बात करते हैं, पर कितना ही है। आई एम कॉलिंग दिस ग्रुप्स मेंबर एलिजिया, प्लीज डू जॉइन द स्टेज इन द मिडिल। पोलैंड के लोक संगीत और वहाँ की पारंपरिक गीतों को, संगीत को यहाँ पर लेके आए थे। हमारे कुल 7 अतिथि यहाँ पर आए थे और बारी बारी से उनका इस तरीके से, हमारे परंपराओं के अनुसार उनका इस तरीके से स्वागत किया गया। आई रिक्वेस्ट दिस दोनों ग्रुप, प्लीज डोंट पुट दिस टर्बन डाउन अप टू कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोग्राम। आप सबकी अच्छी कर्तव्य ध्वनि के बीच मैं अब इस दल के नायक को बुलाना चाहता हूं। हमारी संस्कृति जुड़ने के लिए वो क्या क्या है, जिस प्रकार के देवी देवताओं की कल्पना हमारी है लगभग वही कल्पना आपकी है। हाँ, हमारे देवताओं की संख्या अधिक है, हमने हमारी सुविधा से नए नए आविष्कार कर दिए देवी देवताओं के, पर इनके मूल काली, इंद्र, सूर्य, सरस्वती, कल्कि अवतार, ये जो मूल कल्पनाएं अपनी है आपके अवतार भी उसी प्रकार से, जिस प्रकार से हम वट वृक्ष को भगवान विष्णु का रूप मानते हैं उसी प्रकार से आप इन ओक ट्री, दैट इज द मोस्ट वैल्यूएबल फॉर यू, ओक ट्री को इंद्र का वृक्ष मानते हैं और उसकी उसी प्रकार से पूजा करते हैं जिस प्रकार से हम करते हैं। हमारी परंपराएं समय के साथ साथ रूप बदलकर आज भी आपके बीच में है। होली का हमारा बहुत बड़ा उत्सव होता है, हम सब जानते हैं कि होलिका को की गोद में हमने प्रहलाद को बिठाया, होलिका दहन किया, होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया, ये हमारा पूरा कथानक है। यही कथानक आपके यहाँ भी चलता है, इसी प्रकार का समानांतर त्यौहार आप बनाते हैं। हाँ, अंतर इतना, आप दो पुतले बनाते हैं, एक स्त्री पुतला होता है, एक पुरुष पुतला होता है, दोनों को लेकर अपने जहां निवास है, जो टाउन है उसमें घूमते हैं और उसमें उसके बाद में स्त्री पुतले को जलाया जाता है, पुरुष पुतले को बचाया जाता है। वही भाव जिस प्रकार से हम नवरात्रि पूजा के समय
कन्या पूजन करते हैं, कन्या की पूजा करते हैं, ठीक उसी प्रकार गुस्सा आपके पीछे रहता है। आपकी जो कुंवारी कन्या है वो घर घर जाते हैं, एक पवित्र जल लेके और स्प्रिंकल करती हैं, छिड़कती हैं और उसे घट लेती है। इसी प्रकार की परिपाटी आपकी रहती है। स्वयं के हृदय में रेखांकित करेंगे और कम से कम मैं आपसे दो चीज आपसे चाह रहा हूं इस कार्य को प्रारंभ करने से पहले। भाषा आपको समझ में नहीं आएगी ये मैं जानता हूं, इसलिए एक गीत या दो गीत के बाद में मैं स्वयं उपस्थित होऊंगा और इन गीतों में क्या कहा गया इससे आपको कनेक्ट करने के लिए मैं आपको आई विल जस्ट इंटरवीन आफ्टर वन और टू सॉन्ग्स जस्ट टू से द जिस्ट ऑफ योर सॉन्ग्स व्हिच यू हैव ऑलरेडी प्लेड ऑन द स्टेज। आई विल कन्वे द जिस्ट ऑफ दैट सॉन्ग्स टू द ऑडियंस। या तो We are very grateful to be here, especially to Mr. Arun Sharmaji, who invited us to this concert, to Mr. Suren Ramakurji, our dear friend from Jaipur, with whom we are cooperating in the sphere of... So, Poland se aaye hamare ye sangeetakya atithi hamare samne apne paramparik geeton ko rakhenge aur uska anuvad sir hamare samne karenge. Aap log dhyan se suniyega. पवित्र मानते हैं उस ओक के वृक्ष की थ्री टियर सिस्टम मानते हैं। ये ऊपर का जो स्तर है उसमें सारे देवी देवता निवास करते हैं ऐसा प्रकार इनका मानना। मध्य भाग में हम सब जितने भी जीवित प्राणी हैं ये चराचर जगत उसकी कल्पना है और जड़ों में पूर्वज। इसी प्रकार से उस ओक वृक्ष की स्तुति तीनों प्रकार की जो है जोड़ने वाले विषय उनको सम्मिलित करते हुए ये उस ओक वृक्ष की स्तुति में दूसरा गीत था। Universe, the whole order in the universe was created by our gods. Yeah.
मेरा अनुमान है संगीत में अनुवाद की आवश्यकता नहीं है, यह सुर लय ताल निश्चित रूप से हमारे हृदय तक पहुंच रही होगी। अभी जो गीत दो गीत आपके समूह प्रस्तुत हुए, बिल्कुल हमारी जो संकल्पना है इनकी संकल्पना की साम्य आप देखिए। हम खुद ये मानते हैं कि सृष्टि का जब निर्माण हुआ केवल चराचर जगत में केवल पानी ही पानी था, हमारी मान्यता है ऐसी, यही मान्यता आपकी है। इस पूरी पृथ्वी पर केवल जल था, जल से बाद में सृष्टि का निर्माण हुआ, उस जल को उस नियंता को ये दोनों गीत समर्पित थे। तो एक बार करदल ध्वनि वापस इस दल के लिए। और एक अनुभव मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आपसे थोड़ी इस दल से जुड़ने में आपको सहायता मिलेगी। पंक्ति आपके साथ बोल रहा हूँ, हमारे यहाँ का लोक संगीत और आपका लोक संगीत कितना मिलता है, आपका अनुमान लगेगा। ये राजस्थान में देवनारायण होते हैं, उनकी फल वचन होता है, उसका एक छोटा सा एक वाक्य सुनाता हूँ। ओ ते तो गावो ने बजावो हर की गूजरा, ते तो गावो ने बजावो हर की गूजरा, थे तो हर ने जोड़ो ने दोनों हार, मारे घर आमो नीवड़ो। लगभग सरली भई है। तो ये आपका संगीत हमारा संगीत बहुत कुछ मिलता है, खासतौर से पूर्वोत्तर वाला। प्लीज बी कंटिन्यू। धन्यवाद। नाउ वी गो टू द टाइम ऑफ द स्प्रिंग व्हेन द आफ्टर first spring thunderstorm, young son of thunder, Yarilo, Yarovit, young god of spring, come to the earth and bless all the humanity, all the earth with fertility, with good blessing, with good power of life. This song is a story about him, about young helped us with this comparatistic work in this context. अभी ये जो गीत आपके सामने आने वाला है, इसका थोड़ा सा मैं आपको अलबत्ता शब्दावली समझ नहीं आएगी, लेकिन भाव को निवेदन कर देता हूँ। पोलिश भाषा में इनकी जो भाषा है उसमें अग्नि होते उपने, कितना सम्य है उच्चारण के अंदर। अग्नि को समर्पित ये गीत है, लेकिन ऋतु का गीत है ये। तो ये समर जो ग्रीष्म ऋतु आई है वो जीवन प्रदान करती है, ग्रीष्म होते हुए गर्म होते हुए भी, ऐसा भाव है। और अग्नि को समर्पित ये गीत अभी आपके सम्मुख है। इससे पहले जो गीत था वो बसंत ऋतु के ऊपर उन्होंने प्रस्तुत किया था। नदी निकलने लगी क्योंकि कथानक चलता है ऐसे, बिल्कुल यही बिंब आपके यहाँ भी है। यही कल्पना थी कि ये पृथ्वी, इसको बोलते हैं मोकाश उनकी भाषा में। तो पृथ्वी को अपने अधिकार में लेने के लिए असुर और देव, इनके बीच में निरंतर संघर्ष चलता है। हमारे भी यही कल्पना है, यही कल्पना आपकी है। तो पहले गीत में उसका भी वर्णन था,
कि मोकाश पृथ्वी को अपने अधिकार में लेने के लिए देव और असुर दोनों अपना संघर्ष करते हैं, कभी इसके अधिकार में रहते हैं, कभी उनके अधिकार में रहती है। यही कथानक भारतीय कथानक उनका ये प्रमाण है इस बात का कि कहीं ना कहीं हमारे तार हमारी जड़ें वहां से जुड़ी रही है। Living once, and this song is exactly about it. हमारा जो स्वस्तिक चिन्ह है, प्लीज शो योर पैंडल ऑफ स्वस्तिक, या यू कैन सी स्वस्तिक भी आपके लिए उतना ही पवित्र है जितना हम मानते हैं। अभी ये गीत आपके सामने जो रखा गया, हमारी जड़ों से कितना जुड़ा हुआ है। यह गीत समर्पित था, फसल पक्के जब घर आती है, हार्वेस्टिंग सीजन, उसको समर्पित था। ऐसा ही मानते हैं, इनकी कल्पना है कि एक देवी है, वही इस हमारा भरण पोषण करती है, हम अन्नपूर्णा बोलते हैं उसे। आपके आपके गॉडेस का नाम आपने अलग रखा है, किंतु वही कल्पना है कि वो देवी हमारा भरण पोषण करती है, हमारे पास जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है। पकड़ घर के अंदर आ गई, हार्वेस्टिंग सीजन का ये गीत था। लेकिन हार्वेस्टिंग सीजन के तुरंत बाद में पूरे गांव में इकट्ठे होकर, जैसे इन्होंने नृत्य का छोटा सा स्वरूप आपके सामने रखा, पूरा गांव इसी प्रकार से अग्नि बीच में रखते हुए एक हल्के से रिदमिक मूवमेंट में नृत्य करते हुए इस गीत को गाता है। और यह गीत समर्पित था उसी सूर्य के लिए जिससे हमें सब कुछ मिलता है। प्लीज बी कंटिन्यू। थैंक यू। नाउ वी विल सिंग द सॉन्ग about the last time in the human life. When we were in Varanasi, we saw the sacred fire and the bodies which were burnt in this fire. This tradition, this ritual, this custom was also in our tradition in ancient times. And in old songs, we have still some sing about the burning in the fire and about rebirth and communication with the soul through the plants, through the flowers, which are very sacred in our tradition. Na polta zemnie, na polta zemnie. तो मेरी राख को सर्वत्र बिखेर दिया जाए, उस राख फिर फूल पौधे प्रकट हों और उन फूलों को देखकर मेरे जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं हमें याद करें। यह इस गीत का जिस्ट, इसका भाव यह था। तो मेरा निवेदन केवल इतना ही है कि एक नहीं, अनेक अनेक मान्यताएं, अनेक अनेक परंपराएं बिल्कुल समानांतर हैं। यह प्रमाण है इस बात का कि हमें इस भूमिका के लिए स्वयं को तैयार करना है कि भारत पुनः विश्वगुरु बने तो बाहर भी इस प्रकार का वातावरण, इस प्रकार की निर्मित हो। पिछले वर्ष लिथुआनिया ग्रुप आया था, पूरा भारत का परिचय देना, आप विश्वास नहीं करेंगे। जब वो भारत छोड़ रहे थे पिछले वर्ष,
तब उनके मुंह से एक शब्द निकला था, भारत हमारी दूसरी मातृभूमि है। Live in the sacred forest. They are like birds. They are singing, feasting. They are very happy, full of happiness and blessing. And when we remember about our ancestors, we receive blessings from them. When we put offering and drink with our ancestors, then the good blessing from ancestors is coming to us. Oi tam saje vino graje, oi tam saje vino graje, taški špevajo. संस्कार भारती का यह प्रयास शायद आपके हृदय तक पहुंचा होगा। दुनायु ग्रुप का आई एक्सप्रेस माई ग्रेट एटीट्यूड टू द होल द ग्रुप फ्रॉम दिस ऑल ऑफ द ऑन बिहाफ ऑफ दिस ऑल ऑडियंस। और थैंक यू, धन्यवाद। आपने कुछ शब्द सुन रहे होंगे, इनके मुझे कितने अच्छे लगते हैं। अभी इतना कार्यक्रम चलेगा, जिस प्रकार से हमने हृदय से आपका स्वागत किया है, दुनायो ग्रुप की तरफ से, एक मिनट रुकिए, दुनायो ग्रुप की तरफ से इनकी परंपरा है कि अपने कुछ धार्मिक प्रतीक चिन्ह कुछ भेंट लेकर आए हैं। आपकी तरफ से, दुनायो ग्रुप की तरफ से मैं नाम पुकारता हूं उनको, श्रीमती सविता कपूर जी, राजकुमार जी आप आइए। आई जस्ट रिक्वेस्ट यू टू प्रेजेंट योर, या Have you got with them? Yes. Yeah. That what we have here is motanka or żarnuszka. We can show. It is a traditional wishing doll made in a ritual way, in some kind of prayer. Prayers are put into the doll and the doll is put on the home altar. Happiness from our land. And here a few words about this doll and goddess Morana, made by our Alicia, goddess of morning star. Here I have pisanka. It is made in the form of egg. In our songs, our was a spark of fire, and the spark of fire was the creator, the god. And from the spark of fire. तो प्राचीन सभ्यताओं में सबसे बड़ी सभ्यता हिंदू सभ्यता का प्रचार प्रसार कहाँ कहाँ तक है, ये आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।